Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video we have implemented the session role, और session role हम लोगों ने कैसे implement किया था, अगर आप लोगों ने उस video को नहीं देखा है then it is recommended that you just have to watch that video and then continue from this video. All right, so थोड़ा सा overview हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे था हमारा auth and inside this auth.js there is a credential. And with the help of this credential, we have authorized the user with the valid username and password, right? And here is also the role properties. और इस role को हम लोगों ने add किया था JWT token के अंदर में, and then pass this token role to the session, right? And this session is accessed in our page, right? और इस page के अंदर में हम लोगों ने session को access किया था. Or with the help of this session, we have checked whether the user have logged in or not. अगर login नहीं किया होगा तो उसे हम लोगों ने फिर से redirect कर दिया था login page के ऊपर में. और अगर वो logged in है then this content will be rendered on the page. और कुछ changes हमने इस video के लिए layout में भी किया है, तो हम लोग visit करते हैं inside the layout. और इस layout के अंदर में हम लोगों ने एक बनाया है यहाँ पे नैव, राइट, फॉर द नेविगेशन टूल बार. और इस नैव के अंदर में हमने कुछ लिंक बनाए हैं, और इसके अंदर में पहला लिंक है होम के लिए, और दूसरा है अबाउट पेज के लिए, और तीसरा है सेटिंग पेज के लिए, राइट. और ये कैसा दिखता है तो हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और आपको दिखलाते हैं कि हमारा करेंट सेटअप क्या है, राइट. हियर इज आवर होम पेज, दिस इज द अबाउट पेज एंड दिस इज द सेटिंग पेज, राइट. और अब तक हम लोगों का जो होम पेज है वो एक प्रोटेक्टेड राउट के अंदर में है. जब आप लॉगिन करेंगे तभी आप उस होम पेज को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द होम पेज, राइट. और अबाउट एंड सेटिंग अभी कोई भी प्रोटेक्शन इसके अंदर में नहीं है, राइट. तो प्लानिंग क्या है कि अबाउट को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, इसके ऊपर में कोई भी हम लोग प्रोटेक्शन नहीं डालेंगे. सो इफ द यूजर हैज नॉट लॉग्ड इन इवन the user can access this about page, right? इसका मतलब about page को access करने के लिए कोई भी credential की जरूरत नहीं है, that is called the public route, right? लेकिन home page और setting page ये दोनों protected page है, right? और you can say this is the private page, right? अब यहाँ पे जो level of protection है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि home page को access करने के लिए कोई भी user अगर login है then home page can be accessed. अब user का type जो हम लोगों ने define किया था ना role के through, so वो जो role होगा वो अगर user है या admin है इससे कोई मतलब नहीं है. जैसे हम लोग आते हैं अपने auth के ऊपर में और यहाँ पे हम लोगों ने set किया था role, right? So if the user is either the user or admin, then you can access the home page, राइट. तो होम पेज को एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी टाइप का रोल चलेगा, चाहे आप यूजर हो चाहे आप एडमिन हो. लेकिन सेटिंग पेज को एक्सेस करने के लिए आपको एडमिन होना जरूरी है. अगर आप लॉगिन हैं एज अ यूजर देन यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस द सेटिंग पेज. ऑलराइट, सो लेट्स हेड ओवर टू आवर वीएस कोड एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लेवल ऑफ ऑथराइजेशन, राइट. सो हियर इज आवर वीएस कोड. And inside that, just let me close this auth.js and nav.js, right? अभी लेआउट की भी हमको जरूरत नहीं है, तो लेआउट को भी क्लोज कर लेते हैं. और यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी प्रोटेक्शन जो सेट किया था वो होम पेज के लिए है, राइट. अब आते हैं हम लोग अपने सेटिंग पेज के ऊपर में. सो इनसाइड दिस प्रोजेक्ट वी हैव द सेटिंग एंड पेज. और यहाँ पे अभी कोई भी ऑथराइजेशन का रूल हम लोगों ने सेट नहीं किया है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेस द सेशन फ्रॉम द ऑथ. सो राइट डाउन द कॉन्स्ट एंड देन सेशन एंड हियर वी हैव टू यूज द अवेट एंड देन ऑथ, राइट. अब यहाँ पे हमें दो लेवल का ऑथराइजेशन चेक करना है. फर्स्ट चेक करना है कि यूजर लॉग इन है या नहीं है. अगर लॉगिन नहीं है देन यू हैव टू रीडायरेक्ट टू द साइन इन पेज. तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, इफ देयर इज नो सेशन देन वी हैव टू रीडायरेक्ट
राइट, और रीडायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा कहाँ पे, नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन के अंदर में, और यहाँ से मुझे रीडायरेक्ट कर देना है स्लैश API स्लैश auth स्लैश साइन इन। ऑल राइट, सो लेट मी चेक इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, auth इज नॉट डिफाइंड, राइट, सो वी हैव टू इम्पोर्ट द auth ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने auth को इम्पोर्ट नहीं किया था, तो इसे भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड नाउ जम्प बैक टू आवर पेज, सो हेयर इज सेटिंग, यू कैन नॉट एक्सेस दिस सेटिंग, राइट। अबाउट के अंदर में आ जाओ, अबाउट पेज एक्सेस हो रहा है, लेकिन आप अगर सेटिंग को क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाओगे लॉग इन पेज के ऊपर, राइट। अब लॉग इन के अंदर में अगर हमने वैलिड क्रेडेंशियल डाला तब तो सेटिंग पेज एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने ये सेट नहीं किया कि वो जो यूजर होगा वो यूजर हमारा एडमिन है या नहीं है। तो सेटिंग पेज को एक्सेस करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो भी यूजर है उसका रोल क्या है, राइट। सो जस्ट यू हैव टू चेक इट ओवर हियर दैट इफ द सेशन डॉट यूजर डॉट रोल इज इक्वल्स टू एडमिन, राइट। अगर वो एडमिन है तभी हमारा कुछ कंटेंट शो करेगा, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द सेटिंग पेज। तो यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ब्रेसिस, अदरवाइज यू हैव टू राइट लाइक दिस, राइट। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग पेज को हटा देते हैं और यहाँ डाल देते हैं हम लोग एक पैराग्राफ और यहाँ पे लिख देते हैं ऑथराइज्ड यूजर, राइट। आप इसके अंदर में पूरा का पूरा कंपोनेंट बना करके एक्सेस कर पाओगे, अभी केवल हम लोग जस्ट चेक कर लेते हैं कि एडमिन होगा, देन यू आर अ वैलिड ऑथराइज्ड यूजर, अदरवाइज वी हैव टू डिस्प्ले द मैसेज एंड दिस इज द सजेशन, सो लेट मी एक्सेप्ट दिस सजेशन, राइट। एंड हियर यू राइट डाउन द पेज, ऑल राइट, सो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू दिस पेज, वेरी गुड। आपने एज ए यूजर अगर लॉग इन किया है, राइट, तो आप लॉग इन तो कर लिया लेकिन आप ऑथराइज नहीं है कि इस सेटिंग पेज के कंटेंट को देख पाओ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक और भी मैसेज लिख सकते हैं कि यू आर लॉग्ड इन बट नॉट ऑथराइज टू व्यू दिस पेज, राइट, दिस इज अ वैलिड मैसेज। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ऑल राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने सेटिंग पेज के अंदर में और यहाँ से हम लोग डाल देते हैं, अभी देख लो कि हम लोगों ने जो बनाया था ना auth, पहले वहाँ से चेक कर लेते हैं कि हम लोग एडमिन है अभी, राइट। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं एज ए यूजर, राइट, एंड देन कम बैक टू आवर पेज एंड लॉग इन विथ इजी कोड एंड द पासवर्ड इज एडमिन एंड लॉग इन, right, so we are redirected to our home page and let me click on setting. So once you are clicking on the setting button, then you will get here the message like this, that you are logged in but not authorized to view this page, very good. And let me log out from the user and try to log in as a admin, right. So hum log kya kar lete hain, yahan se user ki jagah par dal dete hain hum log admin aur ab chalte hain और लॉग इन करते हैं यहाँ से, और लॉग इन करते हैं विथ वैलिड क्रेडेंशियल इजी कोड एंड देन राइट डाउन हियर द एडमिन एंड क्लिक ऑन लॉग इन, राइट। सो यू आर गेटिंग हियर द होम पेज, अबाउट पेज देखो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, कोई ऑथराइजेशन रूल हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप नहीं किया है, लेकिन सेटिंग के ऊपर में जाओगे तो आप दे दिया यहाँ पे ऑथराइज्ड यूजर बिकॉज यू आर एडमिन, ऑलराइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से अपने पेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज ए डिफरेंट ऑथराइजेशन लेवल, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिडलवेयर का यूज करके अपने पेज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।